केंद्र सरकार है ये नौ सेने कर ही देना है क्योंकि इन्हें भी बड़ी ज्यादा फुट पई हुई है। जिहड़े लोग ने लग्जरी गड्डियां का आनंद माणते ने मैं कहा जिवें कि गरेवाल साहब मेरे वीर जी ये जिहड़े ने होर भी कई ने जिहड़े चंगीआं कोठीआं का आनंद माणते ने भावें वह साडे वीर ने उन्हां दी बोली बोलते ने साडी बोली बोलते नहीं भावें पंजाब दे क्यों ना होण। सख्त मेहनत जिहड़ी जिंदगी दे विच इको एक रस्ता हुंदा है ये ठाठा मारदा तुहाडा कठ दसदा है भी थोड़े समय दे विच इह अनाउंस हो जाणा है। गुरु प्यारी साध संगत जी मेरे तो पहला मेरे छोटे वीर जी ने खालसा जी ने स्टेज का संचालन जो अमृत वेले तो लैके हुण तक जो भी इस स्टेज तो गतिविधियां हुंदियां ने उन्दे ते चानना पाया ते 11:15 बजे दे करीब 11:17:18 का समा हो गया है। इस तो बाद ये जो कुछ भी काम है सारा स्टेज का ये डिसिपलन दे विच हुंदा है जिन्नियां भी जथेबंदियां ने उन्हां नूं रोजाना जिहड़ा है ये टाइम मिलता है 2-3 जथेबंदियां ने 3 बजे तक मेरा ख्याल है इस स्टेज का समा हुंदा है ते आपो अपने विचार रखने हुंदे ने। मेरे वीर जी ने पहला जो अमृत वेले तो लैके जो स्टेज का संचालन सी उहदे बारे चानना पाया है। गुरु रूप साध संगत जी सब तो पहला तो मैं आप जी का धन्यवादी हाँ। मैं सामने देख रहा मेरिया सत्कारयोग भैन बच्चिया बजुर्ग नौजवान मेरे वीर ने मैं इन्हां दे चरणों च हाथ जोड़ के बेनती करांगा जदों आपां स्टेज ते आउणा है ते अपने मन दे विच इक पुरना होना चाहीदा है। वह की पुरना है भी असां हर इक दे विचार जिहड़े ने जिहड़ी विचार ने विचारधारा ये बुद्धि दे मुताबक हर एक दी इको जी नहीं हुंदी गी आपां विचार सुनने ने क्योंकि मैं कई वीर वेना अखबार पढ़ते ने वह खब्बे सज्जे टाइम बहुता देंदे ने ते जो स्टेज तो विचारां हुंदियां ने उहनां नूं नहीं सुनदे। गुरु रूप खालसा जी सब तो पहला तो मैं आप दे चरणां च बेनती करांगा आ दास दे सज्जे पासे ते आप जो स्टेज ते बैठे हो खब्बे पासे पानी का पूरा प्रबंध है जिहड़ा अपना पानी भी ये भी आपां डिसिपलन दे विच पीना है 2-2, 4-4 आपां जने जाके पानी छक के ते आपां बैठन की कृपालता करिए। इस दे नाल मैं बेनती करांगा जिहड़े मेरे वीर जल पानी छक के अजे आपो अपने रूमां दे विच बैठे ने क्योंकि असीं इत्थे घर बना ले ने इत्थे जिहड़े ने अपने घर बने हुए ने ते जिहड़े मेरे वीर जल पानी छक के आपो अपने कमरियां दे विच बैठे ने मैं उन्हां दे चरणां विच भी बेनती करांगा भैणां दे चरणां विच भी बेनती करांगा भाई आपां 11-12 बजे तो लै के ते 3 बजे तक इत्थे जिहड़े विचार ने आपां सुणीए। मैं आप जी का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। आप जी नूं याद होवेगा ये जो कुछ ये जिहड़ी चिणक सी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आप जी नूं पता होना कि 26 मई नूं आपां इत्थे तकरीबन अपना जिहड़ा काफला सी संघर्ष दे विच्चों जो कुछ असां संसां देखिया क्योंकि मदास पंजाब तों मोगे जिले नूं बिलोंग करदा और सरदार बलवंत सिंह ब्रह्मके ते दास दा एक ही पिंड ही है ते उस तों बाद असीं जदों 25 तरीक नूं असीं पातणी आए सी मैं थोड़ा जिहा दसण नूं जी जरूर करदा
और 26 तरीक नूं साडा ये जो हरियाणे की पुलिस सी इन्हां दे नाल मुकाबला होया। चलो भाई संघर्ष तो हुंदा ही है, तो 26 तरीक नूं असीं 9-10 बजे तक इत्थे पहुँच गए सी। 6 महीने का समा गुजर चुका है, पर ये ठाठा मारदा कठ जिहड़ा है ये समा बहुता दूर नहीं भी इस तरी केंद्र सरकार है ये नौ सेने कर ही देना है, क्योंकि इन्दे विच भी बड़ी ज़्यादा फुट पई हुई है। आप अखबारों में पढ़ते हो, पर जिहड़े लोग ने ये लग्जरी गड्डियां का आनंद माणदे ने, मैं कहा जिवें कि गरेवाल साहब मेरे वीर जी ये जिहड़े ने होर भी कई ने जिहड़े चंगीआं कोठियां का आनंद माणदे ने, भावें वह साडे वीर ने, उहनां दी बोली बोलदे ने, साडी बोली बोलदे नहीं भावें पंजाब दे क्यों ना होण, पर तुहाडा ठाठा मारदा ये कट ये दसदा है ये दिन दूर नहीं। जिहड़ी जित है हार्ड वर्क इज ऑलवेज सक्सैस ऑफ लाइफ, सख्त मेहनत जिहड़ी जिंदगी दे विच इक्को एक रस्ता हुंदा है। ये ठाठा मारदा तुहाडा कट दसदा है भी थोड़े समय दे विच अनाउंस हो जाना है। मैं बेनती करांगा, मैं बहुता समा नहीं लाउणा कि दास ने बुलारियां नूं बुलाउणा भी हैगा, मैं बेनती करांगा बस एक दो बेनतियां करके ही मैं श्रीमान समाप्ति करांगा ते बुलारियां नूं बुलाउणा है। जो अपने आगू ने उहनां दे आपां जो आपां नूं मैसेज दिंदे ने, क्योंकि कल भी मैं देखिया राय साहब अपनी इत्थे क्रीम लै के पहुँचे ने, होर भंगू साहब भी क्रीम लै के पहुँचे ने, जिवें जिवें भी अपने जिहड़े मुखी ने आपां थापे होए ने, अपने सत्कारयोग ने जिहड़े इत्थे कुश्ती लड़ रहे ने उहनां दे नाल, उहनां दे उह कुश्ती लड़ रहे उहनां दे नाल नाल जो आपां नूं दिशा निर्देश दिंदे ने, आपां उहनां ते चलणे आ, आपां उहनां दे पूर्णियां ते चलणा है। इत्थे अपनी जिहड़ी हाजरी है वह 100% जिहड़ी है वह प्रेजेंट होनी चाहीदी है। ये जिहड़ा ठाठा मारदा कठ जिहड़ा है ये जिहड़ा जाना वधना चाहीदा है। मैं दुबारा फिर बेनती करांगा भी जिहड़े मेरे वीर इर्द गिर्द घूमदे ने वो पंडाल विच बैठन की कृपालता करन, क्योंकि मेरे वीर जड़े ने 9-10 महीनों तो मेरे छोटे वीर जी जड़े अरदास बेनती करते ने, अरदास बिरथी कदे ना होवी जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास जी रजाना इत्थे अरदास बेनती हुंदी है। ये गुरमुख प्यारियो टाइम जरूर लगता हुंदा है, तो जिहड़ी जित है वो थोड़े समय के 2-4 दिन पै सकते ने, 20 दिन पै सकते ने, थोड़े समय के विच ये जो हक सच की लड़ाई है वो तुहाडी झोली दे विच सच की लड़ाई पैनी है। दास इन्ना ही कहिंदा खिमंदा जाचक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, क्योंकि दास ने जो अगली कार्रवाई चलानी है मैं बस इन्ना कोई समा लेना है। इस दे नाल मैं भाई जिहड़े बुलारे ने उहनां दे चरणां विच बेनती करांगा, जदों स्टेट सैकटरी उहनां नूं इशारा करे तो इशारे नूं समझण ते अपने थां ते बैठन की कृपालता करन, क्योंकि इस स्टेज ते जिन्हें भी मेरे वीर ने जिन्हां नूं रिटन तौर ते साडे कोल आउंदा है उहनां नूं भाई असीं टाइम दे विच बुलाउणा हुंदा है। जे एक बुलारा ही बहुता टाइम लै जावे तो गल नहीं बनदी। होर दास बेनती करन भाई जा रहा है, हाँ जी मेरे बहुत ही सत्कारयोग बाबा बूटा सिंह जी सेवादार गुरद्वारा ताजो के जिला बरनाला, मैं इन्हां दे चरणां विच भाई फिर बेनती करांगा भी जिहड़ा समा समय दा जूर सत्कार करना समय दे विच ही अपनी थां लैण दी कृपालता करनी है। दास इन्ना ही कहिंदा खिमां दा जाचक वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।